हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंटो शूट्स। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ले सकते हैं यस बैंक की तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मेरे पास है यस बैंक का सेविंग्स अकाउंट किट। इसके बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ थोड़ा, कि मैंने इसके लिए फ़ोन से अप्लाई किया था। मुझे कॉल आया था एजेंट की तरफ से यस बैंक के, और उनसे मैंने बात करके ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद मुझे कुरियर से ये एनवेलप आया है जो सेविंग्स अकाउंट किट है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सेविंग्स अकाउंट में क्या क्या मुझे फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चार्जेस हैं, और कैसे ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट काम करता है। तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको मैं इस वाइट पेपर से हाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये एनवेलप है, ये ब्लू डार्ट से आया था कुरियर से। आगे यस बैंक लिखा है, पीछे कुछ भी नहीं है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो गाइस, अंदर एक तो ये पैकेट है, एक और एनवेलप जैसा है, और उसके अलावा है एक ये लेटर जिसमें कि लिखा है वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ यस प्रॉस्पेरिटी। और इस लेटर में दोस्तों लिखा है अकाउंट के बारे में, देख सकते हैं आप, हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द सेविंग्स अकाउंट। 6% की इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, और जो भी इंटरेस्ट है वो आपको हर 3 महीने में आता रहेगा आपके अकाउंट में। रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। उसके अलावा एटीएम विड्रॉल यस बैंक के एटीएम पे फ्री है, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं एनईएफटी के, वो भी फ्री हैं। किसी भी यस बैंक ब्रांच पे आप जाके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको अपनी ही ब्रांच पे जाना है। अप टू सर्टेन लिमिट डीडी फ्री हैं, एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स फ्री हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कस्टमर आईडी, अकाउंट टाइप, ये सब इन्फॉर्मेशन है जो मैंने हाइड कर दी है। सो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट का इनका जो रूल है वो कुछ ऐसा है कि 6.25% पर एनम की इंटरेस्ट रेट है अगर आपका बैलेंस जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। अगर 1 लाख से कम आपका बैलेंस है तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सो ये तो वो लेटर है। अब हम देखते हैं इस एनवेलप के अंदर क्या क्या है। ओके, सो एनवेलप के अंदर एक तो ये बुकलेट है जिसमें चार्जेस दिए हुए हैं अकाउंट के, इसे हम अभी देखेंगे। इसके अलावा ये एक है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, एक चेकबुक है जो कि करीब 25 लीफ की चेकबुक है, इसमें 25 चेक्स हैं, तो ये एक अच्छी बात है। नॉर्मली आपको 10 लीफ वाली चेकबुक मिलती है। और दोस्तों, ये एक लेटर है जो कि आपके डेबिट कार्ड का लेटर है। देखिए, मैंने प्लैटिनम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, और ये NFC भी सपोर्ट करता है, तो आप इसको सपोर्टेड मशीन्स में टच करके भी इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं बिना स्वाइप के। तो ये है यस प्रॉस्पेरिटी डेबिट कार्ड का लेटर। तो ये देखिए आप इसके फीचर्स, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट यूजिंग चिप एंड NFC, मास्टर कार्ड लाउंज प्रोग्राम में भी ये है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप डोमेस्टिक लाउंज फ्री ऑफ कॉस्ट इससे एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। पेट्रोल पंप पे पेमेंट में फ्यूल सरचार्ज आपको मिलता है, जो कि आपको ज़्यादातर कार्ड से मिल जाता है। बुक माई शो मूवी टिकट्स पे इसमें डिस्काउंट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और फ्रॉड इंश्योरेंस का भी कवर मिलता है। आई थिंक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कुछ 10 या 15 लाख का है, और फ्रॉड इंश्योरेंस कवर भी कुछ ऐसा ही है। उसके अलावा कुछ यूजेज के डिटेल्स हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे, इसकी डेली विड्रॉल लिमिट है 1 लाख, डोमेस्टिक परचेज लिमिट है 2 लाख, और इंटरनेशनल विड्रॉल लिमिट भी 1 लाख है, और कार्ड से परचेज करने पे 2 लाख की लिमिट है।
तो दोस्तों मैंने प्लैटिनम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, अब मैं आपको चार्जेस दिखा देता हूँ। तो देखिए इस बुकलेट में चार्जेस हैं। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बताने वाली वो है ये कि आप निल एएमबी यानी कि ज़ीरो एवरेज मंथली बैलेंस रखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए नॉर्मली 10,000 रुपये मंथली मिनिमम बैलेंस है रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को मीट करते हैं तो आप ज़ीरो बैलेंस पे भी ये ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन है, अगर आप 50,000 की एफडी रखते हैं तो आपको फ्री में ज़ीरो बैलेंस में आपको सेविंग अकाउंट मिल जाएगा। अगर आपका कोई आरडी अकाउंट है जिसमें मिनिमम 5,000 पर मंथ जमा होते हैं तो आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा। अगर आपका करंट अकाउंट है या आपका कोई म्यूचुअल फ़ंड की एसआईपी इस अकाउंट से चल रही है तो आपको ज़ीरो बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया है यस बैंक से, जिसका वीडियो मैंने अलग से बनाया था, और वो वीडियो का कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा या आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक। तो वो कार्ड का जो भी मेरा बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट से पे होगा, और इस कंडीशन पे मुझे ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिला है। एक और जो अच्छी बात है इस अकाउंट की जिसके लिए मैंने इसको लिया था वो है ये, अब देखिए इसमें फैमिली एडवांटेज बेनिफिट निल एएमबी फ्रॉम सब्सिक्वेंट मंथ ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। तो इसमें इजी टर्म्स में आपको बता देता हूँ कि एक फैमिली मेम्बर को आप अपने घर के रिकमेंड कर सकते हैं और उन्हें भी ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यस बैंक की तरफ से मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि आजकल SBI और जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उन्होंने ज़ीरो बैलेंस और 1,000 रुपी बैलेंस वाले अकाउंट देना बंद कर दिया है, और मिनिमम चार्जेस अब 3,000 से 5,000 के बीच में कर दिए हैं। तो उस केस में एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होना अच्छा है, प्लस आजकल इंटरेस्ट रेट भी 3.5% तक कम हो गए हैं, लेकिन यस बैंक आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में ही दे रहा है। तो ये सारे फ़ायदे होने की वजह से मैंने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के लिए मुझे अप्लाई करना था। तो पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन, जिसकी डिटेल्स आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद मैंने एजेंट ने ही मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे ये सेविंग्स अकाउंट के लिए मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस करा दी। डॉक्यूमेंट्स में मेरा सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया था इन्होंने, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। और अप्लाई करने के 10 दिन बाद मेरा अकाउंट का ये जो किट है ब्लू डार्ट कुरियर से मेरे पास आ गया था, और जो भी इसमें डेबिट कार्ड के पिन और जो भी आपको सेट करने होते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। साइट पे जाके आप खुद से ही फ़ोन में OTP डाल के आप डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं और अकाउंट यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था यस बैंक के बारे में, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड का वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और ये है ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट और कैसे आपको ये मिलता है। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा या एक और वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।